उस दिन रेल में सफर कर रहा था। मेरी सामने वाली बर्थ पर एक युवती बैठी हुई थी। परिचय होने के बाद जब उसे पता लगा कि मैं गांधी मार्गी हूँ, तब उसने कहा कि आप गांधी मार्गी, गांधीवादी गोडसे से इतनी नफरत क्यों करते हैं, जबकि गोडसे को भी अपने विचार रखने का हक था। मैंने कहा, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या गोडसे को किसी की हत्या करने का अधिकार उसके मत ने दिया था? उसका विचार हिंसात्मक थे, यह बात हम सब जानते हैं, लेकिन किसी की हत्या करना यह कौन सा मत होता है? मैंने उस युवती से प्रति प्रश्न करने के बजाय सोचना प्रारंभ किया। मुझे लगा कि आज जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर गांधी द्वेषी इस तरह की बातें बहुत ज्यादा प्रसारित कर रहे हैं, बार बार इस तरह की बातें कह रहे हैं कि मत भिन्नता होने पर वध करना जायज है। गांधी वध क्यों, इस नाम से गोडसे की कई पुस्तकें भी उपलब्ध है और गोडसे का बयान भी यही था कि गांधी वध क्यों। वध का मतलब हत्या है, खून है, लेकिन वध शब्द का प्रयोग समाज में इस रूप में किया जाता है कि धर्म के काम के लिए किसी की हत्या की जाती है, तब उसे वध किया जा कहा जाता है। तो क्या गोडसे धर्माचार्य था कि उसने गांधी जी का वध किया? वास्तविकता यह है कि गोडसे एक हत्यारा था। उसने 4 बार गांधी जी को मारने का प्रयास किया। उसने सन 1944 में 2 बार और 1948 में 2 बार यह प्रयास किया। चौथी बार में वह सफल रहा। असल में गोडसे के जो गुरु थे उन्होंने उनसे यही शिक्षा दी थी कि पर्दे के पीछे रहकर शिखंडी को आगे करके उनका गुरु इस तरह की 3 हत्याएं करवा चुका है। ऐसे में यह विचार जरूरी है कि गोडसे के बजाय उसका गुरु, उसकी विचारधारा इस देश के लिए, इस संस्कृति के लिए, हिंदू धर्म के लिए घातक है। गोडसे से कोई भी गांधीवादी नफरत नहीं करता, घृणा नहीं करता, लेकिन उसके पीछे जो विचार है, उसकी जो सोच है, उसकी जो मानसिकता है, उसके ऊपर बार बार चर्चा की जाती है, विचार किया जाता है कि यह मानसिकता मानवता विरोधी है, मानव के लिए हानिकारक है। और यह ही मानसिकता बड़े बड़े लोगों की, जिन्होंने समाज में सुधार किए, उन सबको मारने वाली मानसिकता रही है। यही मानसिकता समाज के लिए, मानव सभ्यता के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल की जाती है, और उन लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाती है जिनके अपने स्वार्थ होते हैं। और कुछ लोग इस मानसिकता के शिकार हो जाते हैं।